देखो बिल्डिंग से बस 100 मीटर में पीछे हूँ, मतलब 100 मीटर पास ही हूँ बिल्डिंग के। बिल्कुल बिल्डिंग आपको दिख रही है, फाइनली आपको दिख रही है बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा पास है मेरे। लेकिन बिल्डिंग बन भी रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जा नहीं रहा है, बिल्डिंग बन रही है। तो आपको रास्ता दिखाते हैं, रेतीला रास्ता है वो, तो गाँव जैसा। हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार, आप सभी लोग कैसे, आशा करता हूँ कि बड़े होंगे। सो आज हम आए हैं दिल्ली यानी नोएडा, दिल्ली नोएडा के हाईवे पर, जो गाजियाबाद से होकर जा रहा है दिल्ली और नोएडा के लिए। सो हम आए हैं उस हाईवे पर। सो हम रॉन्ग साइड से आए, मतलब किसी और जगह से आए रॉन्ग साइड, मतलब छोड़ के वाले हाईवे, क्योंकि उस हाईवे पर बनती है पुलिस चेकिंग वगैरह चलती है, तो हमारा चालान वगैरह कटने की नौबत आती है। इस वजह से हमारा टूटी फूटी सड़क पर, अभी दिखाते हैं, सड़क बहुत बेकार है काफ़ी, लेकिन हम हाईवे पर जा रहे हैं। हाईवे पर देखना है, मतलब मज़ा लेना है फुल, और अच्छा भी व्यू लगेगा अब हाईवे का। वो दिख रही है ये हाईवे मतलब रास्ते जा रही है, लेकिन थोड़ी फूटी हुई है, बेकार ही रास्ता है, रास्ता नहीं है लेकिन इस पर हाथ रहते हैं। सो ये रास्ता है। सो वहाँ पे देखो आगे आपको दिख रहा है वो लड़का, वो स्कूटी निकाल रहा है, वहाँ से स्कूटी पे आया था, तो मैं स्कूटी वहाँ से निकाल रहा है वो, और मैं यहाँ से घंस जाऊँगा नाली, इस वजह से स्कूटी वहाँ से निकाली नहीं। तो हम पैदल आ रहे थे, तो हमने और हमको मतलब आना भी था, अच्छा लगेगा हाईवे पर डुलने के लिए, फोटो वोटो के जाने के लिए। सो लेकिन हम आए नहीं, पैदल आते तो हमें दिक्कत आती, मतलब इस वजह से हम मतलब बाइक लेके आए, क्योंकि बाइक हमें मिली भी गई थी टेम्पर, और हम बाइक लेके आ गए नहीं। हम आ रहे थे, अगर हेलमेट होता तो हम आते हाईवे पर, पूरे हाईवे पर रह गए, रॉन्ग साइड नहीं लेते, लेकिन क्या करें, ट्रैफिक वजह से मतलब चालान वगैरह काट देते, ट्रैफिक वाली पुलिस होती है वो, इस वजह से हम हेलमेट वगैरह नहीं लाए। सो हम स्कूटी से आ गए हैं। सो अभी तक थोड़ा हाईवे पर यहाँ से मज़ा लेके आएंगे, और भी दिखाता हूँ आपको हाईवे, बहुत टॉप भाई अच्छा लगता है दिल्ली हाईवे का, इसलिए मैं आया था, मेरे साथ फोटो वोटो भी करा सकूँ एक। सो यार उस हाईवे के पास में बहुत सारी बिल्डिंग है, इतनी सारी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है। मैं आपको पहले तो बिल्डिंग दिखा दूँ, मतलब और सारी अच्छी लगती है बिल्डिंग देखने के लिए। हाईवे के पास में बिल्डिंग है, रात को तो बहुत अच्छा सीन लगता है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन रात को मेरे फोन चार इतना अच्छा नहीं है, मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मेरा कैमरा बेकार है ज़्यादा, वो दिन में ही साफ दिखता है, रात में नहीं दिखता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बिल्डिंगों को बिल्कुल पास हूँ, और हाईवे के बिल्डिंग बिल्कुल ही पास ही हैं। तो यार यहाँ गंदा बहुत रहता है, क्योंकि साइड से आओ तो गंदा बहुत रहता है, हाईवे की रॉन्ग साइड है ना, इस वजह से यहाँ पर गंदा बहुत है। आपको दिख ही रहा होगा कितना सारा गंदा हुआ है, ऐसा गाँव ऐसा माहौल है, बहुत ज़्यादा गंदा है सिटी में भी। ये गाजियाबाद का बहुत ज़्यादा सिटी माहौल है यार, ये कौन सा एरिया मतलब गाजियाबाद का, ये राजनगर, ये राजनगर का एरिया है गाजियाबाद का। सो उसमें वैसे तो बढ़िया बढ़िया सोसाइटी, लेकिन इतना बीच बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, यहाँ पर घर वगैरह बने नहीं, ये बन जाएंगे तो काफ़ी सही हो जाएगा। तो आपको दिख रही फाइनली देखो ये मतलब भांग वगैरह ठड़ियों को काफ़ी मतलब गाँव जैसा है, और आपको वो भी दिख रही है बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग खड़ी है ये, और इधर भी देखो, इधर राजनगर में सारी बिल्डिंग है ये। सो मैं आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको साफ नहीं दिख रही होंगी बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बेकार माहौल है इस वजह से। सो आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो बिल्डिंग कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में मतलब जाना मना है, सबसे ऊँची छत पर, पता नहीं क्यों मना करते हैं लोग। सो आपको इधर भी दिख रही होंगी काफ़ी बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है। सो अभी हम हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे पर ये कह भी रहा है कि मतलब स्कूटी लेके चल रहे हैं हाईवे पर। सो हम हाईवे फाइनली जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही पास हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, बस मेरे से 100-200 किलोमीटर, मतलब 100-200 मीटर आगे। देखो बिल्डिंग से बस 100 मीटर में पीछे हूँ, मतलब 100 मीटर पास ही हूँ बिल्डिंग के, बिल्कुल बिल्डिंग आपको दिख रही है फाइनली, आपको दिख रही है बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा पास है मेरे। लेकिन बिल्डिंग बन भी रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जा नहीं रहा है, बिल्डिंग बन रही है। तो आपको रास्ता दिखाते हैं, रेतीला रास्ता है वो, तो गाँव जैसा बिल्कुल। सो ये देखो गांव जैसा रास्ता है बिल्कुल, और ये फुर्री मारने की तैयारी कर रहा है, पीछे दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत ज़्यादा गाँव कमाल है। सो आगे आपको फाइनली दिख ही रहा होगा हाईवे होगा, ऐसे मतलब ये हाईवे आपको दिख रहा है, और सामने दिख रहा होगा क्योंकि आगे की रोशनी वगैरह से, मतलब सूरज की वगैरह से, तो साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, हाईवे आ गया। सो हाईवे फाइनली आ गया, फाइनली हम हाईवे पे आ चुके हैं, और हाईवे हम तुम्हें दिखाएंगे अभी। सो हाईवे के पास बिल्डिंग भी, बिल्डिंग सारी बहुत सारी बिल्डिंग भी दिखाएंगे आप। सो ये देखो बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग हाईवे के पास, और हाईवे भी दिखाते हैं हम आपको, बढ़िया तरह से हाईवे है ये, बस करें यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि चेकिंग वगैरह लगने की वजह से। सो ये देखो हाईवे चल रहा है, रास्ते भी देखो, रास्ते भी देखो, हाईवे चल रहा है, चल हाईवे आश्रम चौक जाएगा ना, तो आश्रम चौक है चिन्ना कोई ना है, चैकिंग पकड़ी ना, बुलाओ तो वो का वहीं कहीं मुड़ जाएगा वो, तो चल रहा चंद कौन तो मुड़ा था, देख ले यहाँ पे चेकिंग के लिए देख रहे हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने ठाड़ी हो तुम्हारा चालान वगैरह काट दे, हेलमेट वगैरह है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है होगा, हम जा रहे हैं तो ऐसे तो कोई पुलिस दिख नहीं रही फिलहाल में, और ये समझा कर अगर पुलिस तो हम वापस आ जाएंगे, अब पुलिस देख के क्या एकदम रॉन्ग साइड पर चलाएगा, रॉन्ग साइड वगैरह बोल भी रहा है, तो शायद हम वापस भी जा सकते हैं, तो आपने देख लिया कितना अच्छा पुलिस। तो मैंने पूछी थी भैया आ गए हैं अपने बारे पुराने वाले रोड पे। सो
यार आप सभी लोगों को बोल दिया गया इतना बढ़िया हाईवे दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा ही सा दिखा पाया, बढ़िया तरह से नहीं दिखा पाया यार, सो सॉरी आई एम सॉरी यार, क्योंकि यार स्कूटी मेरी नहीं होने वगैरह करता है, इस वजह से वापस आ गया हूँ। तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर, मुझे काफ़ी देर पहले से। सो आप तो गाइस हम आपको कह रहे थे मतलब दिखाएंगे रोड वगैरह, तो हमने ज़्यादा नहीं दिखा पाया, वैसे मैंने थोड़ा ही से दिखाया और हम वापस भी आ गए। चले अब हम दुकान पर जा रहे हैं क्योंकि मालिक भी बुला रहा है वहाँ पे। सो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर बगिया वगैरह भी, और काफ़ी मतलब घास का मौसम भी है। सो अब हम दुकान पर चल रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत देर में नहीं कोई आ भी जाएगा तो चिल्लाएगा। सो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तो बाय गाइस, ज्यादा से लोग शेयर करना, ज्यादा देखना, तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय गाइस।